अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और मेरे पीछे रेल भवन आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरे साइड में नया वाला संसद भवन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे संसद भवन है, 20 मीटर की दूरी पे रेल भवन है और 20 ही मीटर की दूरी पे कृषि भवन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। मैं रेल भवन के सामने इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ से एनटीपीसी रिजल्ट में जो घपला हुआ है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो 4 से 5 साल बाद एनटीपीसी का एग्जाम हुआ 2019 में, उसके बाद से हर चीज़ के लिए देश के युवा लड़े, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उसके बाद से रिजल्ट निकलवाने के लिए, और जब रिजल्ट निकल जाता है तो उसमें भी घपला होता है। एनटीपीसी में पहले ही कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी जितना मेंस में बच्चे बैठेंगे उससे 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट आएगा, लेकिन 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है। एक एक बच्चों को चार चार जगह पे पास करा दिया गया है और जो कटअप 60 जाना चाहिए वो कटअप 93 हो गया है। मैं ये रेल भवन में बैठे अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 100 में से 93 मार्क्स जो है इस रेल भवन में बैठे सभी अधिकारी का आ जाएगा? नहीं आएगा। सबको पता है कि कहीं नहीं तो कहीं कटअप में बहुत बड़ा विवाद हुआ है। ये कृषि भवन में बैठे अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, कि क्या इनका मार्क्स आ जाएगा 100 में से 93? संसद भवन में बैठे नेताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग पास भी हो जाओगे क्या? 40 नंबर तुम लोगों का आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर 100 में से 93 मार्क्स जो है वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बैठे बच्चे कैसे लेके आ पाएंगे? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 2014 में आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए कि युवाओं ने आपके सारे सपनों को अपने कंधों पे उठा लिया और तब जाके आप जो है संसद भवन में बैठ के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दो, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख लेंगे, रेल भवन में आ जाएंगे, कृषि भवन में आ जाएंगे, संसद भवन के सेक्रेटरिएट में अगर आ जाएंगे तो ये हमारे रैलियों में नहीं जाएंगे। और इसीलिए आपने युवाओं को बेरोजगार और बेकार रखा है और एनटीपीसी उसका जीता जागता उदाहरण है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो भविष्य में युवा इस देश के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करेंगे? वही युवा जो है कल गलत काम करेंगे और जब गलत काम करेंगे तो नुकसान देश का होगा। एनटीपीसी को बर्बाद कर दिया गया, आईबीपीएस को बर्बाद कर दिया गया, उसके अलावा जो है एसएससी को बर्बाद कर दिया गया, आर्मी के बहाली को भी बर्बाद कर दिया गया। 2020-21 में जो दौड़ आर्मी ग्राउंड में, मुजफ्फरपुर में, दानापुर में बच्चे दौड़े थे, उनका भी वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं की गई है, वो भी सड़कों पे लाचार हैं, बेकार हैं, और कहा जा रहा है कि कोरोना के वजह से ये वैकेंसी क्लियर नहीं की जा रही है। तो आर्मी की वैकेंसी कोरोना के वजह से नहीं क्लियर की जा सकती है तो देश में चुनाव कैसे हो सकता है? 2019 के बाद से तो सरकारी नौकरी में नई वैकेंसी आई ही नहीं, जो पुरानी वैकेंसी है उसे भी क्लियर नहीं किया गया। जरा सोचिए फिर युवा करेंगे क्या? कोरोना के बाद से युवाओं को लगा कि सरकारी नौकरी एक जरिया है कि कोरोना आएगा तो भी हमें सैलरी मिलेगी। ये आखिरी बार एनटीपीसी का रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद से एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि अब जो है टिकट चेक करने का काम जो है वो स्टेशन पे जो सफाई कर्मी हैं वो करेंगे, और सफाई कर्मी क्या होते हैं, वो प्राइवेट बहाल होते हैं। उसके अलावा आप दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से जब गाजियाबाद जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट टीटी चढ़ते हैं ट्रेन में। आप चले जाएं किसी रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे प्राइवेट टिकट काटने वाले लोग हो गए हैं। गार्ड का नाम बदला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गार्ड अब गार्ड नहीं कहलाएंगे, वो ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। मतलब जैसे विकलांग लोगों का नाम बदल के दिव्यांग कर दिया गया, हालात बदलने के लिए कुछ नहीं किया गया, वैसे ही गार्ड का नाम बदल के ट्रेन मैनेजर किया जा रहा है। लेकिन नया गार्ड अब हम बहाल नहीं करेंगे, और ट्रेन मैनेजर कौन बहाल करेगा, प्राइवेट एजेंसी आएगा। एक एक बच्चे का 5-5 जगह रिजल्ट क्यों दिया गया है? क्या वो 5 जगह पे जाएंगे? जब वो 5 जगह पे नहीं जाएंगे तो फिर 5 जगह क्यों दिया गया? एक बच्चे का एक ही रिजल्ट होना चाहिए, एक आदमी एक वोट दे सकता है, देश का एक प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक संविधान हो सकता है, देश का एक कानून हो सकता है, तो एक बच्चे का एक रिजल्ट क्यों नहीं हो सकता है? और जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है वो भी ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि अभी प्री का रिजल्ट आया है। मेंस में जब आप लोग डिस्क्वालीफाई होंगे ना
तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार से धोखा कर रहा है। और बाद में जब मेंस का कटअप 93 जाएगा ना, तो 90,000 वैकेंसी जो है ना वो घट के जो है ना 900 पे आ जाएगा, सारा जीरो पीछे से गायब हो जाएगा और 900 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई करेंगे और बाकी सारे प्राइवेट कर्मी जो है काम करेंगे। उसके अलावा एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप एयरफोर्स में चले जाएँ वहाँ पर प्राइवेट लोग अब जाने शुरू हो गए हैं, आर्मी में चले जाए प्राइवेट लोग जाने शुरू हो गए, देश के किसी भी स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाए वहाँ पे प्राइवेट वैकेंसियाँ शुरू हो गई है। और अगर सरकार का यही हालात रहा और हमने सरकार से सवाल नहीं किया तो आज लिख के रख लें, भले या कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन 2024 के बाद से पाकिस्तान के बॉर्डर पर टाटा का फोर्स लड़ेगा तो चीन के बॉर्डर पर रिलायंस का फोर्स लड़ेगा। और ये लोग बोलेंगे कि हमारा आर्मी जो है सक्षम नहीं था, आर्मी चीन से युद्ध हार जा रहा था इसलिए हमने टाटा को दे दिया, अब टाटा जो है चीन का पूरा जमीन खींच लेगा, रिलायंस जो है पूरा चीन का जमीन खींच लेगा, यह स्थिति होने वाली है। इसीलिए अभी सवाल करना होगा। ये रेलवे का जो रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो मैं क्या आइंस्टाइन और न्यूटन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि इस देश का सबसे सुपर कंप्यूटर जो परम है वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा कि किसको 7.2 नंबर बढ़ाना है, किसको 8.2 बढ़ाना है, किसका 18 नंबर बढ़ाना है और किसका 10 नंबर काट लेना है। ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ रेलवे में बैठे कुछ पगला अधिकारी ही कर सकते हैं। पगला इसलिए कर रहे हैं कि सही में ही लोग पगला गए हैं। कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइज कैसे करना है, इस बच्चे का कितना परसेंट बढ़ाना, ये इसलिए हुआ है कि जिसका पैर भी इन अधिकारियों तक पहुंच जाएगा वो उस बच्चे का रिजल्ट नंबर बढ़ा लेंगे। और उसका दूसरा कारण ये है कि ये अधिकारी चाहते हैं कि हमारे बच्चे रेलवे में आए तो इन्हें पता रहता है कि उनका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का नंबर बढ़ाएंगे और नहीं तो जो मोटा पैसा देगा उसका 18 नंबर बढ़ा के जो है ना 93 नंबर पे पहुंचा देंगे और आप पैसा नहीं देंगे तो आपका 2 नंबर बढ़ा के जो है ना आपको फेल करा देंगे। यह नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आइंस्टाइन महोदय जी एक बार जिंदा होकर आइए और इस रेलवे बोर्ड में बैठिए और इनके सर पर बैठ के जो है ना सॉल्व कराइए कि यह नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और नॉर्मलाइज करके जो है किस प्रकार से अप एंड डाउन रिजल्ट किया जाता है। उसके अलावा एक और बात मैं बोल देना चाहता हूं कि अरे पगला अधिकारी लोग, नॉर्मलाइज करने में इतना जब झमेला है ही तो पहले ही इक्वल लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट करो ना। और अगर तुम लोग इक्वल लेवल का 100 क्वेश्चन पेपर नहीं सेट कर सकते हो तो तुम लोग इस लायक हो नहीं कि तुम लोग एग्जाम लो। और ये सारा बवाल और विवाद इसलिए हो रहा है ना कि जितना भी एनटीपीसी का रिजल्ट जो है लंबे समय तक चले, पहले गार्ड का एग्ज़ाम लेंगे, फिर टीटी का एग्ज़ाम लेंगे, फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम लेंगे, जितना भी पहले डी ग्रेड की नौकरी तो आपने रेलवे में ख़त्म कर दी, पूरी ख़त्म कर दी, अब पूरा सी ग्रेड को ही ख़त्म करना चाहते हैं, बचेगा बी और ए ग्रेड में कितने अधिकारी होते हैं, 4-5%, बाकी सारे लोग जो है ना सी और डी ग्रेड में होते हैं, तो 4-5% ही सरकारी नौकरी बचेगा, बाकी 95-96% सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाएगा अगर आज आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। युवाओं ने हर बार कमाल का काम किया है, कभी देश की रक्षा करने के लिए, कभी देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, कभी दुनिया में भारत का झंडा लहराने के लिए, कभी नेताओं को हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा के जो है ना संसद भवन इसी संसद भवन में पहुँचाने के लिए, कभी रेल मंत्री बनाने के लिए, तो कभी सड़क बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, हवाई जहाज़ बनाने के लिए, सुई बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए काम किया है। इस बार युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए काम करना होगा। अगर एनटीपीसी का रिजल्ट एक हफ्ते में सुधारा नहीं जाता है तो सभी युवा जो है ना वो सड़कों पे उतर जाए दिल्ली में, और दिल्ली की इतनी क्षेत्रफल नहीं है जितना इस देश में युवा हैं, अगर दिल्ली में आ गए ना सभी युवा तो दिल्ली का जगह कम पड़ जाएगा और नेताजी लोग आप लोगों के लिए भी जगह कम पड़ जाएगा। तो हो सके तो कम से कम युवाओं का भविष्य बर्बाद ना करें, 2014 से 2022 तक सिर्फ जांच हो जाए कि कितने सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दिए हैं, रिटायर हुए हैं, VRS दिए हैं या उन्हें हटाया गया है और कितना नया बहाली लाया गया है, तो पता चल जाएगा कि 90% इस्तीफा दिए हैं, VRS दिए हैं, हटाया गया है और सिर्फ 10% उनके जगह पे बहाल किया गया है, बाकी जो है सभी जो है प्राइवेट कर्मी आ गए हैं, सभी प्राइवेट कर्मी। और प्राइवेट क्या होगा उसके बाद से सबको पता है, बैंक में कैसे प्रेशर दिया जाता है प्राइवेट कर्मियों को वो सबको पता है यार,
ये राजनीतिक पार्टियों के अच्छे दिन आते हैं, कभी पुराने वाले संसद भवन में बैठते हैं, कभी नए वाले संसद भवन में बैठते हैं, कभी इस रेल भवन में जो है ना किसी और पार्टी के नेता बैठते हैं तो कभी किसी और पार्टी के नेता बैठते हैं। उन्हें मलाई खाने का मौका मिलता है लेकिन जनता को मलाई खाने का मौका नहीं मिलता है। जनता का अच्छा दिन नहीं आता है, इनका अच्छा दिन आता है। एक बार इस देश के जनता को जो है निष्पक्ष होके अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक बार इस देश के युवाओं को अपने भविष्य के लिए कम से कम हुंकार भरना होगा, तब जाके NTPC सुधरेगा, SSC सुधरेगा, IBPS सुधरेगा और आर्मी की भी बहाली में जो घपला हो रहा है, पैरामिलिट्री की बहाली में भी जो घपला हो रहा है, जो बहाली नहीं आ रहा है वो बहाली कराएंगे समय पे और तब जाके युवाओं का भविष्य बचेगा, तब जाके देश का भविष्य बचेगा। वरना आज़ाद भारत के सभी आज़ाद युवा प्राइवेट कंपनियों के हाथों गुलाम हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे ही रहनुमा हमारी ही जिंदगी को किसी प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच दिया और हमें गुलाम कर दिया। UPSC एग्जाम के बाद इस देश का सबसे भरोसेमंद बोर्ड अगर कोई था तो वो SSC था। जब दिल्ली में बच्चे इकट्ठा हुए थे तो वो कह रहे थे कि SSC सबसे भरोसे वाला एग्जाम लेता है और उस भरोसे को भी तोड़ दिया गया, उसे भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया गया। SSC के बाद सबसे ज़्यादा भरोसे वाला अगर दूसरे नंबर पे कोई था तो IBPS था, यानी बैंक का जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला बोर्ड था वो था। उसे तो खत्म ही कर दिया गया, पूरा बैंक बेच दिया गया और जो बैंक सरकारी है भी उसमें प्राइवेट कर्मचारी आ गए। उसके बाद से सबसे तीसरे नंबर पे सबसे विश्वसनीयता वाला अगर कोई बोर्ड था तो वो RRB था, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और उसे भी खत्म कर दिया गया। अभी NTPC उसे भी खत्म कर रहा है, यानी सरकारी नौकरी देना ही नहीं है। और आर्मी के बारे में तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। आर्मी में पूरी बहाली जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में पूरी बहाली जो है ईमानदारी पूर्वक होती थी और आज भी होती है, लेकिन आप बहाली क्लियर करेंगे तब तो दो साल पहले जो बच्चे जो है आर्मी के ग्राउंड में दौड़ के जो है दौड़ निकालें, फिजिकल निकालें, रिटर्न निकालें, उनका भी रिजल्ट अभी क्लियर नहीं आ रहा है। यानी आर्मी में जाने के लिए बच्चों को पहले देश के अंदर बैठे गद्दार, देश के अंदर बैठे दुश्मन जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं, उनसे लड़ना होगा और तब जाके देश के बॉर्डर पे जाके जो है ना देश के दुश्मनों से लड़ना होगा। ये कहां तक जायज है? और बस मैं कहना चाहता हूं, SSC बोर्ड, NTPC बोर्ड, RRB बोर्ड और IBPS बोर्ड जो बैंकिंग का है और उसके अलावा आर्मी की बहाली, ये चार सेक्टर में ही इस देश में सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है और इसे सही किया जाए ताकि देश के युवाओं का भविष्य बचे। अगर नहीं बचेगा देश के युवाओं का भविष्य तो देश नहीं बच पाएगा, ये सोचने की जरूरत है। और जिन लोगों को सेंट्रल का नौकरी मिल चुका है, किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी मिल चुका है, उन्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आज नहीं लड़ेंगे तो कल उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और उनके बच्चों को किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में गुलामी करनी पड़ेगी। और मैं अभी इस देश का सबसे VIP जगह पे हूँ, इससे VIP कोई जगह नहीं है। पीछे संसद भवन है, देखिए लिखा हुआ है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया वाला बन रहा है। इधर रेल भवन है, इधर कृषि भवन है, ये सारा मंत्रालय है, ये सारा। और ये मंत्रालय में सप्लाई वाला एयर कंडीशन का ये मशीन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पूरा सब। ये लोग बड़ी ईमानदारी से अपने लिए पेड़ लगाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पेड़ ऑक्सीजन देगा, तब हम जाके जो है संसद भवन में बैठ के ऑक्सीजन ले पाएंगे। और इधर देखिए पूरा ग्रीनरी है, पूरा रोडें चौड़ी चौड़ी है। और हम आम आदमी जो है ना, कहीं सरकार जो है थोड़ा सा लालच दे देता है ना तो चुप हो जाते हैं। जिनको सरकारी नौकरी मिल गया वो सोचते हैं कि हम क्यों बोलेंगे। तो आप चिंता ना करें, आपका आने वाला भविष्य, आपके आने वाले बच्चे जो है ना किसी प्राइवेट कंपनी में गुलामी करेंगे और इतना ज़्यादा वो प्राइवेट कंपनी टॉर्चर कर देंगे ना कि एक दिन वो आत्महत्या कर लेंगे और उस आत्महत्या के लिए ये पार्लियामेंट में बैठे नेता जिम्मेवार होंगे और उससे ज़्यादा हम और आप जिम्मेवार होंगे, जो हमारे बच्चों का भविष्य गुलाम हो रहा था, इस देश के युवाओं का भविष्य गुलाम हो रहा था और हम चुपचाप अपने घरों में मौन थे, इस चक्कर में पड़े थे कि हमारी पार्टी है तो हमारी पार्टी है तो हमारी पार्टी है तो हम अपनी पार्टी का विरोध कैसे कर सकते हैं। यार किसी पार्टी का विरोध नहीं करना है, बस देश के लिए खड़े हो जाना है, देश के युवाओं के लिए खड़े हो जाना है, देश के भविष्य के लिए खड़े हो जाना है। ऑटोमेटिक
सही काम देश में होना शुरू हो जाएगा। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।